हबल टेलीस्कोप ने कई बेहतरीन डिस्कवरीज करी हैं, जिनमें से एक साल 1994 में की गई थी। गैलेक्सी M87 की स्टडी करते वक्त उन्हें पता चला कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो उसे पकड़े रखता है। लेकिन इतना ही नहीं, साइंटिस्ट को अब भी कुछ मिसिंग लग रहा था। और क्या आप जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप से 10 टाइम्स बेटर इमेजेस जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर करता है? लेकिन इतना ही नहीं, हबल टेलीस्कोप जो आज से करीब 30 साल पहले लॉन्च हुआ था, आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, हबल टेलीस्कोप को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक थी ये ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड इमेजेस। आखिर इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी हबल टेलीस्कोप क्लियर इमेजेस अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा था? लेट्स फाइंड आउट। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था, ये टेलीस्कोप 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ डिस्कवरीज करते आ रहा है, जिनकी पिक्चर्स ये रही। नासा ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में और भी गहराई से जानने के लिए अर्थ से 500 किलोमीटर दूर भेजा था, ताकि अर्थ के थिक एटमॉस्फेयर से हबल की पिक्चर्स डिस्टॉर्ट और ब्लर होने से बचे रहें। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीज़न था जिनकी वजह से टेलीस्कोप से खींची गई पिक्चर्स ब्लर्ड थी? वेल, हबल टेलीस्कोप एक बड़े साइज का मिरर टेलीस्कोप है विद अदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, और जब इसे ऑर्बिट में सेट किया गया तब पता लगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसके मिरर्स में है। इसका कर्व प्रॉपरली ना होने के कारण सारी पिक्चर्स ब्लर थी। बट नासा ने फिर भी हार नहीं मानी। नासा के साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और 1993 में एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस पर भेजकर इन मिरर्स को रिप्लेस भी कर दिया गया। और उसके बाद से ही हमें स्पेस की ये क्लियर पिक्चर्स देखने को मिली। यही नहीं, वहीं दूसरे टेलीस्कोप जो सिर्फ एक्सोप्लैनेट्स कहाँ हैं उनकी लोकेशन बस बता पाते थे, लेकिन तभी हबल टेलीस्कोप ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सोप्लैनेट्स की लोकेशन तो क्या, बल्कि उन प्लैनेट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में जानकारी निकाल ली, जिससे वो प्लैनेट हमारे लिए हैबिटेबल है या नहीं ये पता चल सके। लेकिन ये सोचिए कि अगर हबल टेलीस्कोप, जिसे 1990 में बनाया गया था, वो इतना पावरफुल है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे कुछ साल पहले 2021 में लॉन्च किया गया था, वो कितना पावरफुल होगा? इन पिक्चर्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जिसने कई एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके एक्सोप्लैनेट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाली है। इस टेलीस्कोप को बनाया ही इसलिए गया था कि ये यूनिवर्स और उसकी ओरिजिन की जानकारी हमारे सामने ला सके। वेल, जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से 6 गुना बढ़ा है। ये टेलीस्कोप अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ऑर्बिट करता है। वेल, दोनों ही टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की खोज में काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी एस्ट्रोनॉमर तक पहुंचाई है। इनकी इन्हीं यूनिक कैपेबिलिटीज और फायदे एक साथ नासा के टेलीस्कोप्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। कमिंग बैक टू हबल टेलीस्कोप्स डिस्कवरी, साल 1994 में हबल की मदद से गैलेक्सी M87, जो अर्थ से केवल 54 लाइट ईयर्स दूर है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकी। और M87 अर्थ से 100 गुना बड़ी है। लेकिन M87 को स्टडी करते वक्त एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, बट साइंटिस्ट को कुछ मिसिंग सा लग रहा था। और फाइनली ये पता चला कि ये मिसिंग एलिमेंट था डार्क मैटर, जो अपने मास और ग्रेविटी का एहसास कराता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और इसलिए 2007 में हबल की मदद से साइंटिस्ट ने डार्क मैटर का 3D मैप बनाया, ताकि डार्क मैटर और सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे काम करते हैं ये पता लगाया जा सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में और डार्क मैटर के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।